हेलो, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे ही होंगे। तो वट सावित्री की पूजा है कल और आप सभी अपनी तैयारियों में ज़रूर लगे होंगे। मैं भी अपनी तैयारियों में लग गई हूँ। मार्केट के बहुत सारे काम थे तो मैंने वो एक दिन पहले ही निपटा लिया, जैसे कपड़े वगैरह की खरीदारी, फ्रूट वगैरह, मिठाइयाँ, चूड़ी, लहठी, श्रृंगार के जो भी सामान होते हैं और भी, तो वो सारी चीज़ें मैंने एक दिन पहले ही खरीद के निपटा लिया ताकि दूसरा दिन मुझे कोई एक्स्ट्रा वर्क ना पड़े और सवेरे ही पूजा पाठ वगैरह हो सके। तो इसीलिए मैंने एक दिन पहले ही काम को निपटा लिया और सभी ऐसा करते हैं। और सारे काम निपटाने के बाद दोपहर के बज रहे थे 12 और अनिका सो गई थी, तो मैं मेहंदी लगाने के लिए बैठ गई। हालांकि मेहंदी किसी किसी ओकेज़न पे ही लगाने का मौका मिल पाता है अब ससुराल में, ऐसे मायके में तो पहले बहुत टाइम लगा कर जब भी मन करता था तो मेहंदी लगा लिया करती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं हो पाता क्योंकि बहुत सारी जिम्मेदारियाँ होती है तो इसके लिए टाइम नहीं मिल पाता। और अभी मैं मेहंदी लगा रही हूँ, बहुत अच्छी डिज़ाइन तो नहीं बट जितना बन पाता है मुझसे मैं वो खुद से बना लेती हूँ। और अनिका चूँकि सोई रहती है तो मुझे बहुत सारे काम करने में हेल्प मिल जाती है। और हुआ क्या था कि मेहंदी जैसे ही लगी कंप्लीट हुई थी और मैं अनिका जग गई थी तो मुझे मेहंदी को वॉश करना पड़ गया था तुरंत ही, और लाल भी नहीं हुआ था मेहंदी, आप जैसा कि वीडियो में भी देख सकते हैं। तो ये देखिए मेहंदी मेरी बिल्कुल भी लाल नहीं हुई थी, लेकिन बाद में धीरे धीरे शाम तक लाल हो चुकी थी। और दूसरे हाथ में बिल्कुल सिंपल सा मैंने लगाया और इसमें थोड़ी बहुत हेल्प मेरे हस्बैंड ने भी कर दी। और ये सारे काम निपटाने के बाद रात के 10 बज रहे थे, तो सुबह के लिए जो ठेकुआ चढ़ता है पूजा में तो वो मैं बनाने के लिए लग गई। प्रसाद हालांकि बहुत सारी महिलाएं दूसरे दिन ही बनाती है वट सावित्री पूजा के दिन ही, लेकिन उस दिन टाइम नहीं मिल पाती मुझे और अनिका जगी रहती है तो कोई भी काम सही से हो नहीं पाता, तो इसीलिए मैं एक दिन पहले ही बना ले रही हूँ। और ये वाली ट्रिक जो आप देख रहे हैं ना ठेकुआ ठोकने का, तो अगर आप इस तरीके से करते हैं तो जो सांचे होते हैं वो बिल्कुल भी गंदे नहीं होते, आप एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा ये वाला। और मैं छठ वगैरह पूजा कोई भी ओकेजन होता है और ठेकुआ बनाती हूँ तो मैं इसी तरह से करती हूँ इसे। और चूँकि जब मैं ठेकुआ बना रही थी तो मैं अकेले नहीं थी, मेरे हस्बैंड भी इसमें हेल्प कर देते हैं। और एक्चुअली मेरे हस्बैंड हर काम में मेरी हेल्प कर देते हैं, अगर वो हेल्प ना करें तो मैं सारे काम निपटा भी ना पाऊँ अच्छे से। और तो रात में हम दोनों ही मिलके बनाया और जल्दी ही बन गया था, करीबन 11 बजते ये सारे काम हो गए थे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल निसाराज ब्लॉग। और जैसा कि आज है वट सावित्री पूजा, आप सभी को मालूम है ये ज्येष्ठ की अमावस्या के दिन मनाया जाता है और इस बार तो 2 दिन हो गया, कई लोग 9 जून और कई लोग 10 जून को मना रहे हैं, तो हमारे यहाँ 10 जून को आज सभी मना रहे हैं यहाँ पे। तो अभी 5:30 बज रहे हैं, आज बहुत ही सवेरे उठना पड़ा था तो 5:30 बजे उठ के सारे काम हो गए हैं। और फल थाली सजाने की वीडियो मैं नहीं कर पाई तो मैं फिलहाल आपको बता देती हूँ, थाली मेरी सज गई है, मेरी और मम्मी दोनों की थाली सज गई है। तो थाली में मैंने ये कटे हुए थोड़े से फल रखे हैं क्योंकि वहाँ पे कटे हुए फल भी चढ़ाने होते हैं, और पूरा जो फल होता है वो भी मैंने रखा है अलग में। तो ये आम है और तरबूज, केला, और ये मैंने रात में ही बनाया था तो आप लोगों ने देखा ही होगा वीडियो में। और इसे क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, मम्मी ने कहा था बनाने के लिए इसे। और ये ठेकुआ बना है और ये पत्ते हैं वट वृक्ष के, क्योंकि इसमें ही सारी चीज़ें लिखी जाती है, जैसे कि इसमें सरस्वती जी, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, सती और सत्यवान की पूजा होती है तो वो सारी चीज़ें इसमें लिखी गई है। कुछ फूल वगैरह हैं और इसमें रोली, चंदन, ये सारी चीज़ें हैं, पान के पत्ते और कसेली वगैरह है बस। और सॉरी आप लोगों के साथ मुझे याद आया कि मैं चीज़ें भूल गई हूँ। तो ये लड्डू भी हैं और लड्डू मैंने घर में नहीं बनाया खुद से, ये मार्केट से ही मैंने लाया है, और ये भी मार्केट से ही लाया है, इसे अनरसा कहते हैं। और ये तीज में भी चढ़ाया जाता है और ये इस पूजा में भी चढ़ाया जाता है। तो सॉरी आप लोगों के साथ से वीडियो शेयर करने में ही मुझे याद आया, मुझे याद नहीं था, नहीं तो ये घर में ही रह जाता।
नारियल वगैरह जो है वो मैंने इसमें रख रखा है, क्योंकि थोड़ी दूरी पर जाना पड़ता है और थाली को ऐसे उठा के ले जाने में बहुत वजन हो जाता है, तो नारियल वगैरह हो गए, आम जो पूरे पूरे फल हैं वैसे मैंने रखा है, दिया वगैरह है जलाने के लिए अगरबत्ती, ये सारी चीज़ें मैंने इसमें ही रख रखी हैं, और ये भी मैं इसी में रख लेती हूँ। और ये पंखा, ये मस्ट है वट वृक्ष की पूजा में, ये पंखा का सबसे अधिक रोल होता है, और ये मौली धागा का, तो ये मैं आप लोगों को दिखाना भूल गई थी। बस अब चलते हैं क्योंकि अनिका रेडी नहीं हुई है, तो अनिका को बस अब तैयार करना है और उसके बाद फिर निकलना है, तो मिलते हैं हम लोग वट वृक्ष के पास। तो अब हम लोग चले आए हैं वट वृक्ष के नीचे पूजा करने के लिए, और ये मॉर्निंग का टाइम ही था क्योंकि इस बार थोड़ा सूर्य ग्रहण वगैरह का कुछ ऐसा था, तो मॉर्निंग में ही पूजा करना था। हालांकि ये जो पूजा है महिलाएं 12-1-2-3 शाम तक किया करती हैं पूजा, लेकिन मुझे ना ये पूजा मैं सवेरे ही कर लेती हूँ, क्योंकि 12-1 बजे पूजा करने में मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो जो पूजा इस तरह की होती है मॉर्निंग में करने की, तो मैं वो कोशिश करती हूँ कि मैं ये पूजा सवेरे ही निपट जाए, क्योंकि काफ़ी ठंडा मौसम होता है, बिल्कुल शांत सा मौसम होता है, और हमारा मन भी सुबह सुबह शांत होता है, तो पूजा करने में काफ़ी अच्छा लगता है। आप लोगों में से कितने लोग ऐसे करते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये है सुहाग का सामान, ये मम्मी ने मुझे साड़ी दिया था और उसमें चूड़ियाँ वगैरह है, बिछुआ वगैरह, और ये 2 साड़ियाँ हैं ये मम्मी के लिए, मम्मियों के लिए, मेरी माँ के और ससुराल दोनों मम्मियों के लिए है। वो एक्चुअली कहा जाता है कि जैसे आप कोई पूजा करते हो, जैसे तीज वगैरह, चाहे वट सावित्री की पूजा, चाहे और भी कोई पूजा आप करते हो, तो अपने ही सासू माँ के लिए या फिर अपनी जेठानी ननद इन सब के लिए भी आप सुहाग के चीज़ें चढ़ा सकते हो और उन्हें दे सकते हो, तो अच्छा होता है और उनसे आशीर्वाद भी मिलता है। इन सारी चीज़ों का सौभाग्य हमें प्राप्त हो, हमेशा मरते दम तक ऐसा आशीर्वाद हमें मिले, तो इसलिए भी उन्हें दिया जाता है। और कोई ज़रूरी नहीं है कि आप देना ही है, अगर आप सक्षम है देने में तो आप दे सकते हैं, और अच्छा लगता है मुझे ये सारी चीज़ें करना भी बहुत अच्छा लगता है। और पूजा संपन्न होने के बाद फिर फेरे लगाने होते हैं, 5 फेरे 7 फेरे या 108 फेरे 111, मतलब इस तरीके से लगाती हैं महिलाएं, तो मैं 5 फेरे ही लगाती हूँ, और फिर जल अर्पण करके फिर उसे पंखा झलना होता है। और आज ना यूँ कहा जाए कि बट वृक्ष जो होता है उनकी पूजा की जाती है, उनकी सेवा की जाती है पंखा वगैरह झल के, फिर आगे भी और भी बहुत सारे नियम हैं वो आप वीडियो में देखेंगे।
उसके बाद उनके जो जड़ें निकली हुई होती हैं उन्हें दबाना होता है। इन सब के पीछे क्या रीज़न है मुझे नहीं पता, बस सभी करते हैं तो मैं भी करती हूँ। और वैसे भी अगर परिवार खुशहाल रहे उसके लिए अगर कुछ परंपराएं अपनानी हो तो महिलाएं अपनाने से उसे हिचकती नहीं है बिल्कुल भी कि मैं ये क्यों करूं, बिल्कुल भी नहीं। अगर उन्हें कोई कह दे कि आप ये चीज़ें अगर करो थोड़े से नियम वगैरह तो आपके घर परिवार बहुत ही खुशहाल रहेंगे, तो हर स्त्रियां ये चीज़ को मान लेती है और उन्हें अच्छा लगता है। और महिलाएं प्रार्थना करती है कि इस तरह का सौभाग्य उन्हें हमेशा मिलती रहे, उनके पति की लंबी आयु हो, इसीलिए वटवृक्ष की पूजा करती हैं क्योंकि वटवृक्ष का जो आयु होता है काफ़ी लंबा होता है और काफ़ी स्ट्रांग होता है, तो इनके तरह ही उनके पति भी स्ट्रांग रहें, बिल्कुल हमेशा अच्छे रहें। पहुँचा देते हैं मेरे हस्बैंड, और अभी मम्मी गई है, मम्मी को लेकर गए हैं वो, और उसके बाद फिर मैं और अनिका, और अनिका की बदमाशियाँ तो आप सबों ने देख ही ली होगी कि कितनी धूल वगैरह में इसे एकदम बिल्कुल छूट में लिया था खेलने को। और ये प्रसाद पहले ही खा रही है क्योंकि ऐसे भी है ना, बच्चे मानते नहीं हैं और वैसे भी बच्चे भगवान का दूसरा रूप है। तो बाय करो बाय करो।